आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल फेमस हैदराबादी डबल का मीठा। डबल का मीठा बनाने में किसी को शुगर ज़्यादा हो जाती है या फिर दूध कम पड़ जाता है या फिर दूध ज़्यादा हो जाता है, तो आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंजूर आलिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुक विद अंजूर। डबल का मीठा बनाने की जो ब्रेड होती है जिसको हम मोटा कट करते हैं, इसीलिए हम इस तरह की ब्रेड लेकर इसके साइड्स कट कर लेंगे। नॉर्मली जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं उसके स्लाइसेस बहुत पतले होते हैं, आप चाहे तो उसका भी मीठा बना सकते हैं, लेकिन डबल के मीठे की ब्रेड को हम मोटा कट करके बनाने से एकदम ये हलवा टाइप नहीं होगा, इसके सॉलिड पीसेस रहेंगे तो खाने में भी मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा थिक रखा है, इसी तरह से सारे स्लाइसेस बना लेंगे। अब इसमें से भी हम 4 पीसेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने सारे ब्रेड के स्लाइसेस बना लिया है। नेक्स्ट अब हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे और पैन गरम होने के बाद इसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद जो ब्रेड हम कट करके रख लिए थे वो डाल लेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक, यानी ये गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई हो गए हैं, यानी गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। अब हम इसको पलटा लेंगे और पलटा कर दूसरी साइड भी 6 से 7 मिनट तक, यानी गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और बचे सो ब्रेड के पीसेस भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लेंगे दूध 1 लीटर और इसमें थोड़ा सा सैफ्रन डालकर अब दूध में उबाल आने तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम बंद करके इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें शीरा यानी चाशनी बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर 2 कप पानी लेंगे और उसमें 3 कप शुगर डालेंगे। और हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बल्कि ये गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम कलर डालेंगे, 1 या 2 पिंच, और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालें और शुगर सिरप गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये शुगर सिरप भी गाढ़ा हो गया है, अब इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट आएंगे अब अपने ब्रेड के पास। जो ब्रेड हम फ्राई करके रख लिए थे उसको एक बड़े बर्तन में फैला लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से दूध डालेंगे, जो सैफ्रन मिलाकर हम गर्म करके रख लिए थे ना, वो दूध अतराफ़ से डालें। इसके बाद इसके ऊपर से डालेंगे चाशनी यानी शुगर सिरप। बड़े ही आराम से और एहतियात से चारों तरफ ब्रेड का हर एक पीस भीगें इस तरह से डालेंगे। और हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक, यानी इसमें एक अच्छा सा उबाल आए और जो दूध और शीरा है ना सारे ब्रेड के पीसेस में अच्छे से अब्जर्व हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। जब ये पक रहा है उसी दौरान अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए काजू, बादाम या फिर आप मगज़ियात में जो भी पसंद करते हैं, पिस्ता, किशमिश आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे 100 ग्राम खोया। इसके बाद अब हम एक बार इसको मिला लेंगे नीचे से ऊपर, बड़ी एहतियात से मिलाएं। मिला लेने के बाद फ्लेम को बंद कर दें और ढाँक कर 10 मिनट रेस्ट में रख दें। 10 मिनट बाद देखिए हमारा फेमस हैदराबादी डबल का मीठा तैयार है। ये सॉलिड पीसेस भी है और अंदर से सॉफ्ट है। ये शीरा सारे ब्रेड के स्लाइसेस में अच्छे से जज्ब हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।